मध्य प्रदेश में चार चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राजनीतिक दलों की ओर से भी मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। काउंटिंग के दौरान कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर भोपाल में कांग्रेस ने अपने बूथ एजेंटों को प्रशिक्षण दिया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए कांग्रेस के बूथ एजेंटों को मतगणना के दौरान किन बारीकियों के साथ निगरानी रखनी है, इसकी जानकारी दी गई। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मतगणना से पहले कांग्रेस ने अपने काउंटिंग एजेंट्स को बारीकियां सिखाई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक लोकसभा से 2 से 3 काउंटिंग एजेंट पहुंचे। मतगणना वाले दिन किन बातों को सावधानी रखना है, उसका फोल्डर काउंटिंग एजेंट्स को सौंपा गया। मतगणना स्थल पर किन बातों की सावधानियां रखना चाहिए, इसकी भी जानकारी दी गई। चुनाव आयोग कार्य के प्रभारी जेपी धनोपिया ने बताया कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के निर्देश पर यह ट्रेनिंग रखी गई। इसमें काउंटिंग एजेंट्स बनाने से लेकर मतगणना के दिन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इसकी विस्तार से जानकारी दी गई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के निर्देश अनुसार हम सभी लोकसभा क्षेत्रों के 2-3 प्रत्याशी, उनके जो उम्मीदवार है प्रतिनिधि, उनको यहाँ पर मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग देंगे और वो अपने क्षेत्र में जाकर ट्रेनिंग देंगे। उसमें ये कि किस तरह से नियुक्ति होगी, किस तरह से गणना की शुरुआत होगी, पोस्टल वोट कैसे गिने जाएंगे, ईवीएम मशीन की चेकिंग कैसे होगी, 70C फार्म जो होता है उसका मिलान उससे किस तरह से होगा, वोटों की गिनती होने के उपरांत उसकी वीवीपैट की मशीनों के साथ में जो स्लिप निकलती है उसी कैसे चेकिंग की जाएगी, जो विकलांग लोग हैं या 85 प्लस के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके वोट कैसे गिने जाएंगे, ड्यूटी वालों को कैसे गिने जाएंगे, सारी चीजों पर आज हम विस्तृत यहाँ पर चर्चा करेंगे और हमारे सभी लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।